मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में बनाए गए नवीन कार्यालय भवन पर सवाल उठाए हैं। सक्सेना ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख की घूस लेते पकड़ाया था, उस पार्टी ने अचानक 4 साल में इतनी अकूत संपदा कहां से अर्जित कर ली। देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आज से 5-7 साल पहले पकड़ाया हो, तो ऐसा 5-7 साल बाद इस पार्टी में क्या हो गया कि आपका 600 करोड़ रुपए का आलीशान भवन बन गया। आज छोटे से छोटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, फॉर्चुनर में घूम रहा है, बड़े बड़े आलीशान मकान आ गए उनके पास। तो जो खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले देश के चौकीदार श्री मोदी जी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि वो बताएं कि ये इतनी अकूत संपदा भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आ गई, जबकि आप तो कह रहे हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बात का जवाब आपको इस देश के लोगों से को देना पड़ेगा। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।